है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ है रॉयल इनफील्ड की हंटर जो न्यूली लॉन्च हुई है अभी। आप देख सकते हैं, एक दो कलर है मेरे पास यहाँ पे। एक्चुअली दो मॉडल आता है इसमें, लेकिन अभी मेरे पास दोनों मॉडल अभी अवेलेबल नहीं यहाँ पे था, तो दो कलर अलग जो इस गाइस आप देख सकते हैं कि ये है इसका मेट्रो टॉप मॉडल और ये इसका रेट्रो इस कलर में आता है। हालांकि ये भी टॉप मॉडल है, बट ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो इसमें कुछ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज लगा है, इसलिए मैं आपको दोनों डिस्प्ले में रखा हूँ कि दोनों दिखाऊंगा। बाकी बात कर लेते हैं इसकी, तो गाइस बात कर लेते हैं इसके कलर की। तो इसमें तीन कलर आएंगे आपको, ये आप देख रहे हैं जो सामने, ये रेबल ब्लू है और ये रेबल ब्लैक है। एक कलर और इसमें आता है रेबल रेड करके, जो यहाँ पर नहीं है वो आ गया, तो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा दूँगा। और इसका इंजन की बात कर लें तो इंजन सेम ये क्लासिक 350 और मेट्योर 350 से आप शेयर करती है इंजन। इंजन इसमें सेम वही लगा है, 350 सीसी का इंजन है और पावर ऑलमोस्ट सेम है, 20.2 BHP इसमें पावर, 20.2 BHP इसमें पावर है। तो फ्रंट से इसको बात कर लेते हैं। फ्रंट से इसमें टायर साइज़ की मैं बात कर लूँ तो इसमें टायर आपको 110, 70, 17 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं। और जिसका नीचे वाला मॉडल है इसका रेट्रो, उसमें आपको स्पोक व्हील मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको अलॉय मिलते हैं और स्पोक मिलते हैं। और ट्यूबलेस की बात कर लूँ तो ये ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिलते हैं। और फ्रंट सॉकअप की बात कर लूँ तो सॉकअप का ट्रेवल तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, बाकी ये कैसा है ये मैं ड्राइव वाले वीडियो में बताऊँगा। ये आपको मेटल नहीं मिलता, आपको ये प्लास्टिक मिलता है। हेडलाइट की बात कर लें तो हेडलाइट इसमें आपको हेलोजन में ही मिलती है। नीचे एक LED DRL तो नहीं है, बस एक नीचे आपको DRL टाइप का एक हेलोजन बल्ब भी मिलता है। और इसमें कार जैसा हजार लाइट अप मिल जाता है, जो कि अगेन हेलोजन में ही है। फ्रंट में ये पार्ट ऑफ एसेसरीज लगा हुआ है, अगर आपको चाहे तो आप लगवा सकते हैं, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं। तो गाइस सॉकअप की क्वालिटी तो काफ़ी इम्प्रूव लगती है पहले से, और ट्रैवल भी इसका काफ़ी है, जिसकी मैं चलाते समय बात करूँगा। टायर रिम की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक बाइक के कलर जैसा है वैसा ही यहाँ पे दिया गया है, ब्लू इंसर्ट और रॉयल इनफील्ड यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हंटर 350 लिखा गया है, आप देख सकते हैं। हेडलाइट थोड़ा सा छोटा लगा मेरे को क्लासिक के मुताबिक, बाकी ठीक है। इसकी चलाते समय और नाइट में बात करेंगे कि कैसे है ये। इंजन की बात कर लें तो ये आपको पार्ट ऑफ एसेसरीज है हमारे पास। इसका जो दूसरा वेरियंट है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ अलग टाइप का ये इसमें आपको बम्पर लगा है, तो ये आप पार्ट ऑफ एसेसरीज है, आपको जो चाहे वो लगवा सकते हैं। इंजन गार्ड की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको इंजन गार्ड मिलता है, ये भी आपको एसेसरीज के तौर पे ही लगवाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी बाइक आपको स्पोर्टी बनाई गई है, युवाओं को देखते हुए बनाई गई, तो ये इसमें आपको गियर लीवर आप देख सकते हैं कि सिंगल ही गियर लीवर मिलता है आपको पीछे, नहीं तो आपको गियर यहीं से लगाना पड़ेगा। 5 स्पीड इसमें गियर बॉक्स आता है, जो कि एक नीचे और 4 ऊपर मिलता है यहाँ पर है। तो ये भी अगेन ये प्लास्टिक का है, इसमें रॉयल इनफील्ड हंटर 350 लिखा गया है कि काफ़ी अच्छे। अंदर इसमें बैटरी है। सीट की बात कर लूँ तो 805 mm का सीट है इसमें, तो बाइक थोड़ी सी अगर आप छोटे भी हैं तो आपको चलाने में दिक्कत नहीं होने वाली है। जिन्हें अगर क्लासिक 350 या मेट्योर 350 चलाने में दिक्कत होती है, तो इस बाइक को चलाने में आपको वो चीज़ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका वेट भी थोड़ा कम है और हाइट भी इसकी कम है। रियर टायर की बात मैं कर लूँ तो रियर टायर आपको मिल जाता है 140/70/17 इंच का भी, इसमें आपको अलॉय व्हील मिलता है। इसके अलॉय व्हील पे भी आपको रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। और फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है ABS के साथ साथ, और रियर में आपको 270 mm का ब्रेक मिलता है, और रियर में भी आपको ABS मिल जाएगा। तो गाइस ओवरऑल बाइक की बात कर ले तो इस रॉयल इनफील्ड क्लासिक से और मेट्योर से इसका व्हील बेस थोड़ा सा कम मिलता है, वही बाइक भी आपको थोड़ी सी ये छोटी मिलेगी और सीट हाइट भी थोड़ा सा कम मिलेगा इससे रॉयल इनफील्ड से। तो अगर आप रियर की बात मैं कर लूँ तो रियर में आपको ये LED टेल लैंप मिलते हैं, और ये आपको एलिगेंट हेलोजन में, एक्चुअली हमारे पास एक और इसका मॉडल है, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है, जो कि अगेन यहाँ भी एक लाइट दिया गया है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और ये बता दूँ तो आपको प्लास्टिक में ही आता है। यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये एसेसरीज है, अगर चाहें तो आप लगवा सकते हैं, नहीं तो आप मैं दूसरी बाइक में दिखाता हूँ उसमें कुछ अलग टाइप का। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ एसेसरीज में यहाँ पे LED आपको LED टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, उसमें आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि उसमें हेलोजन है जो कंपनी फिटेड है। ये आपको एसेसरीज के तौर पर, ये आपको कंपनी फिटेड ही मिलते हैं, ये
एलईडी में ही है, यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह मिलती है। ये टेस्ट राइड व्हीकल है तो ये थोड़ी सी गंदी है तो माफ़ करिएगा। उसके लिए साइलेंसर की बात कर लूँ इसमें, तो साइलेंसर आपको इसमें थोड़ा सा स्पोर्टी रखा गया है, पहले की जो क्लासिक में आता है वैसा नहीं है। यहाँ पे आप ये भी अगर अगेन आपको ये भी प्लास्टिक में मिलता है। चेचिस की बात करूँ तो चेचिस सेम ही है, बट थोड़ा सा व्हील बेस कम किया गया है। गाइस व्हील बेस की बात करूँ इसे आपको 1370 mm आपको व्हील बेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है 150 mm। और वहीं अगर सीट हाइट की बात मैं आपको बता ही दिया, 800 mm का सीट आपको मिलता है। अगर आप थोड़ा सा छोटे भी हैं तो आपको बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंजन आपको सेम ही है, 20.2 bhp का इसमें पावर मिलता है और 27 Nm का इसमें टॉर्क मिलता है 4000 rpm में। तो जो आपको क्लासिक में इंजन देखने को मिलता था वही सेम इंजन इसमें भी दिया गया है, सिर्फ इसकी थोड़ा सा बाइक को छोटा बनाया गया है। जो इसमें थोड़ा सा तो इसमें मीटर की बात करें तो इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, आप चाबी ऑन करते ही पूरा स्वाइप अप मारता है। और इसमें आपको दो तीन चीज़ें दिखा देता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं। तो इसमें आप इसमें आप देख सकते हैं टाइम दिखा देता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2, ऑडोमीटर दिखा देता है, स्पीडोमीटर। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको फ्यूल भी देखने को मिलेगा जो कि मेटियोर और रॉयल इनफील्ड क्लासिक में नहीं मिलता है, वो इसमें देखने को कि आवाज़ में इसमें कितना फ्यूल है वो भी आप देख सकते हैं। वैसे टैंक की बात कर दूं तो टैंक 13 लीटर का इसमें टैंक मिलेगा जो कि क्लासिक में भी आता है। और हैंडल बार की बात कर दूं तो हैंडल भी आपको सेम मिलता है, ग्लास भी आपको सेम मिलते हैं, इवन स्विच की भी बात कर लें तो स्विच भी आपको सेम मिलते हैं। तो काफ़ी मिलती जुलती बाइक है या रॉयल इनफील्ड और क्लासिक से और मेटियोर से। साइड में इसका कलर एक और खड़ा है आप देख सकते हैं। इसको मैं अभी टेस्ट राइड करूंगा जो कि वीडियो में आपको बात करूंगा कि राइड में राइड कैसी है इसकी। बाकी इसमें अगर इसकी वेट की बात करूं तो 180 kg इसका अलॉय व्हील वाला, अगर आप वेरिएंट लेते हैं तो 181 kg आपको इसका वेट मिलता है। अगर आप स्पोक व्हील में जाते हैं तो 177 kg आपको स्पोक व्हील वाला मिलता है। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में, बाइक काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा रॉयल इनफील्ड और रॉयल इनफील्ड मेटियोर और इसे क्लासिक से थोड़ी सी छोटी है, तो कंपनी इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पोर्टी बनाने की कोशिश की है। बाकी इसकी प्राइजिंग की बात कर लूँ तो ये हमारे साथ है टॉप मॉडल अलॉय व्हील वाला, इसके नीचे एक और आता है जिसमें स्पोक व्हील रहते हैं। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइज है 168,900 रुपये, और इसमें जो एक स्पोक व्हील वाला आएगा जो उसकी प्राइज मैं बता देता हूँ, 1,49,000 उसकी प्राइज आएगी। ये दोनों प्राइजें एक्स शोरूम है। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी हंटर के बारे में। बाइक आपको कैसी लगी? बाइक आपको अच्छी लगी तो आप टेस्ट राइड के लिए आ सकते हैं प्रियंका मोटर्स जो कि रायगढ़ में है। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।